हेलो, आई थिंक आपको वॉइस क्लियर आ रही है। हम हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स का, कैरेक्टरिस्टिक का ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन को क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम कंपोनेंट्स डिजोल्व करते हैं उससे कंपोनेंट का जो साइज होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि वो अलग भी नहीं हो सकता, उसको नेग्लिजिबल हो जाता है। आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, इतना छोटा हो जाता है। तो जब इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स डिजोल्व हो जाते हैं इतने छोटे छोटे साइज में, तब हम ऐसा सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ाते से कुछ फीचर्स पढ़े थे, ठीक है। कुछ नोट वगैरह हैं जरा, इनको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार मेरा पढ़ा दिन मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ाया था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन और अ सिंपली सॉल्यूशन। वो कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन है सिंपली, ठीक है, ट्रू भी ना हो थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे भी रहे हैं, तब भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे एक सॉल्यूशन के, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, जो नॉर्मली एक सॉल्यूशन होता है उसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो वो कह रहा है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, अबाउट 10 to the power -10 meter। ठीक है, तो कुछ नहीं कह रहा है यहाँ तक तो ठीक ही है। इट इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट क्यों बोल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्लास के अंदर आपको कॉम्पोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे तो क्या वो ट्रांसपेरेंट हो पाएगा? नहीं, ट्रांसपेरेंट तो तब हो पाएगा ना जब चीज़ें डिजॉल्व हो गई हो 100%, जब वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गई हो। कम्प्लीटली मतलब बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो गई हो, वो अलग से दिखाई ना दें। जब वो अलग से नहीं दिखाई देंगे तो पानी जो भी चीज़ होगी वो हमें क्या दिखेगा, ट्रांसपेरेंट और क्लियर दिखाई देगा। इट डज नॉट स्कैटर लाइट, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, स्कैटर लाइट का मतलब होता है लाइट बिखेरना, लाइट बिखेरना। ये मैं थोड़ा समझा दूँ, ये पॉइंट है इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा रिविजन कराया है। तो स्कैटर मतलब क्या होता है, लाइट बिखेरने का मतलब बताऊँ, इट डज नॉट स्कैटर लाइट। मैं आपको बताऊँ, आप घर पर ऐसा करके देख लेना, बेशक एक ग्लास लेना, ठीक है, एक ग्लास ले लेना, उसके अंदर बहुत सारा पानी भर लेना, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर लेना, ठीक है, पानी भर लेना, पूरा पानी भर लिया मैंने, ठीक है, पूरे ग्लास में आप क्या भर लो, पानी भर लो, ठीक है। अब इसके अंदर ना थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का सॉल्ट, शुगर भी डिजोल्व कर सकते हो, सॉल्ट या शुगर कुछ भी डिजोल्व कर लेना इसमें से, ठीक है। और जब तक तो वो अच्छे से ना हो जाए ना, तब तक डिजोल्व करते रहना, डिजोल्व करते रहना, जब तक आपको दिखाई ना देता तब डिजोल्व करते रहना। और फिर उस ग्लास के ऊपर ना टॉर्च फ्लैश करना, फ्लैश के ऊपर किससे क्या फ्लैश करना, टॉर्च। तो जब आप टॉर्च फ्लैश करोगे तो आप देखोगे लाइट ना सीधी जाएगी, सीधी टॉर्च की जो लाइट होती है वो लाइट सीधे पास पार हो जाएगी उसकी। लेकिन उसके अंदर आप कुछ ऐसा एक कंपोनेंट डालना जो उसके अंदर डिजोल्व ना हो, जो उसके अंदर डिजोल्व ना हो, और फिर आप उस लाइट को पास करके देखना उसमें से, ग्लास में से। तो जब आपकी जो लाइट होगी ना, सपोज करो ये टॉर्च है, ठीक है, जैसे रोशनी निकल रही है, ठीक है, तो जैसे ये रोशनी जाएगी, रोशनी पूरी पास हो जाती है, पूरी पास हो जाती है, पास थ्रू हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा, जब आपका कोई कंपोनेंट है डिजॉल्व नहीं होगा, तो आपको कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, कंपोनेंट ऐसे आपको दिखाई दे रहे होंगे ग्लास के अंदर। तो जब इस लाइट भेजोगे, जब आप इस लाइट भेजोगे, जब आप इस लाइट भेजोगे, इनसे टकराकर कभी इस डायरेक्शन में, कभी इसे टकरा कर इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इसे टकरा कर इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि स्कैटर होगी, बिखर जाएगी लाइट, जानी थी साइड लेकिन चली और कहीं गई, चली और कहीं गई। और दूसरा केस क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है ऐसा लाइट तो जाए, लाइट तो सीधे जाए, लाइट तो सीधे जाएगी, तो लाइट तो सीधे सामने जाएगी, बस जाएगी लाइट, सीधे जाएगी बस लाइट, जो है ना लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, लाइट इधर से यूँ चली जाएगी, लाइट इधर से यूँ चली जाएगी, ठीक है, लाइट इधर से यूँ चली जाएगी, लाइट इधर से यूँ चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो जो लेकिन इस जिस एरिया में, जिस एरिया में आपकी ये है ना, ये वाले एलिमेंट्स, जिस एलिमेंट्स में ये कंपोनेंट्स हैं जो डिजोल्व नहीं हुए, उस एरिया में लाइट नहीं जाएगी, इस वाले एरिया में लाइट नहीं जाएगी।
इस वाले एरिया में लाइट नहीं जाएगी, इस वाले एरिया में लाइट नहीं जाएगी, तो लाइट बिखर गई। पहले एकदम पहले लाइट कैसे आती, पहले वाले केस में पता है लाइट कैसे आती, ऐसे ऐसे जाती पूरी, ऐसे आती बिल्कुल एकदम सीधी लाइट जाती, पूरी की पूरी लाइट जाती, पूरी की पूरी लाइट जाती। लेकिन उसके बाद लाइट बिखर गई, लाइट बिखर गई, लाइट स्कैटर हो गई। ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जब लाइट स्कैटर ना हो, वो होता है ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जिसमें से लाइट स्कैटर ना हो। ठीक है, समझ आ गया वाला? आप से तो डिजाइन ड्राइंग कर सकते हो, इसके आगे लिख लेना एग्जाम्पल। ठीक है, और ये फिफ्थ और सिक्स पॉइंट ईजी है। द इट्स कॉम्पोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। ठीक है, सॉलिड पार्ट द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। ये इजी पॉइंट है, मेरे को समझाना नहीं है, ये हम उस दिन समझा देते हैं। मेरे को जो पॉइंट समझाना था वही वाला समझाना था, क्योंकि मैंने उस दिन समझाया नहीं था, उस रीड करा दिया था। ठीक है, अब हम आज की क्लास प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। नोट से मैं पढ़ना था, नोट से हमने नोट पढ़े नहीं थे उस दिन, है ना? तो क्या लिखा है, वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, सो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर एज सून एज एक्वियस एक्वियस सॉल्यूशन। तो मीनिंग क्या है, वो कह रहा है वाटर तो मोस्ट कॉमन कॉमन सॉल्वेंट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन की इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिजॉल्व हो जाती हैं, इसलिए कॉमन है। फिर कह रहे एक ऐसा सॉल्यूशन है ना, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि कैसे मिला हुआ है, प्रोड्यूस बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, यानी कह रहा वाटर सॉल्यूशन की बात कर रहा, सिंपल से वाटर सॉल्यूशन की। अगर वाटर का कोई सॉल्यूशन है तो उसको एक्वियस एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बट इट इज़ नॉट द ओनली सॉल्वेंट। वो कह रहा है वाटर मोस्ट कॉमन तो है, ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में, वाटर मोस्ट कॉमन तो है बट ऑन नॉट ओनली, बट ओनली ये नहीं है, बट नॉट दी ओनली सॉल्वेंट। इसके अलावा भी सॉल्वेंट हैं, एल्कोहल, पेट्रोल, एथर, बेंजेन, कार्बन डाइसल्फाइड, लिक्विड अमोनिया, तो ये भी सारे हैं, ये भी बहुत सारे हैं। तो इसके नाम आप याद रखते हैं ना, अगर आपसे पूछ ले कि नेम सम कॉमन नेम सम सॉल्वेंट्स अदर देन कार्बन अदर देन वाटर, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वियस, नॉन एक्वियस, क्योंकि एक्वा मतलब होता है वाटर, एक्वा मतलब क्या होता है वाटर, और ये वाटर तो है नहीं, तो ये नॉन एक्वियस हो गया। द सॉल्यूशंस मेड इन दीज लिक्विड्स आर नोन एज द सॉल्यूशंस मेड इन दीज लिक्विड्स आर नोन एज नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, वही से रिपीट कर रहे हैं। व्हेन द सॉल्वेंट इज एल्कोहल, वो कह रहे हैं जब सॉल्वेंट आपका एल्कोहल है तो सॉल्यूशन को पता क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, टिंक्चर। ये याद रखना, तो क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, अगर आपका सॉल्वेंट एल्कोहल है तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का क्या नाम देंगे, टिंक्चर। टिंक्चर क्या है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एल्कोहल। वो कह रहे हैं टिंक्चर क्या होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, अगर कहीं पर आपको माल लिखा मिल जाए टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब है, टिंक्चर मतलब सॉल्व, टिंक्चर मतलब सॉल्यूशन, आयोडीन मतलब क्या, इसके अंदर आयोडीन आपने, आयोडीन आपने क्या कर डिजॉल्व कर दिया, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, आयोडीन आपने डिजॉल्व कर दिया, यानी आपने एल्कोहल के अंदर आयोडीन डिजॉल्व कर दिया, तब ये तो सॉल्यूशन बनेगा स्कूल में, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन नहीं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन और एल्कोहल को मिलाकर एक सॉल्यूशन आपने बनाया है। और एक डेफिनेशन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दोनों इंपॉर्टेंट डिटेल बताया गया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब क्या, डाइल्यूट मतलब क्या, डाइल्यूट का मतलब ऐसे समझ लो, डाइल्यूट का मतलब होता है क्या होता है, पतला। डाइल्यूट का वैसे हिंदी में कहते हैं बोलो पतला, अगर आप पतला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कैसे बोलेंगे, जहाँ पर पानी ज्यादा हो। ठीक है, और सब कुछ गाढ़ी हो जाए तो गाढ़े सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, गाढ़े सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड तो आप लिख सकते हो, पतला लिख सकते हो, गाढ़ा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट एंड सब्सटेंस वो क्या होता है, लेस होता है, वो क्या होता है, लेस होता है, यानी वाटर ज़्यादा होगा सॉल्यूट कम होगा, कोई भी लिक्विड ज़्यादा होगा और सब्सटेंस कम होगा। कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या,
सॉल्यूट रिलेटिव लिया जाए अपने सॉल्वेंट से, तो बताइए जी मतलब पतला सॉल्यूशन है गाढ़ा सॉल्यूशन है, ठीक है पता होना चाहिए आपसे। आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल सकता है, मतलब मैं होता तो मैं ऐसी चीज़ें पूछा सिक्की वाली रटवाने की जगह। एग्जाम्पल देते एक सोल्यूशन देते उसमें आपको क्वान्टिटी बता दी मैंने कि ये सॉल्यूशन है, ये एक एग्जाम्पल है, सपोज करिए एक डैश सॉल्यूशन है, ये डैश सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो 5 ml है और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो 3 ग्राम से, तो बताओ ये कैसा सॉल्यूशन है, डायल्यूट सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो यू मस्ट नो हाउ टू आइडेंटिफाई देम है, तो मैंने आपको बता दिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, मैंने बोला नाम बहुत ज़रूरी होते हैं, नाम के पीछे एक रीज़न होता है, नाम के पीछे रीज़न होता है। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं पता, सैचुरेट का मीनिंग नहीं पता, चलो आप यहाँ पे हेडिंग डालें टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे हेडिंग डालना है यहाँ पर लिखना थ्री, ठीक है। डायरेक्ट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब और सैचुरेटेड मतलब सूख गया, लेवल बढ़ता रहता है, वो डायलॉग वाला बहुत गीला सॉल्यूशन बहुत गीला है, पानी बहुत जाता है।
Heat a saturated solution and dissolve some more solute to it. And dissolve some more solute to it. Okay, right? इसके अंदर और सॉलिड डालो, और सॉलिड डालो, फिर तो डिजल हो गई नहीं, हाँ फिर भी करे, फिर भी डालो, फिर भी डालो, जब फिर जब फिर बंद कर दो, फिर इसे ठंडा कर दो, फिर इसे ठंडा कर दो, बता वो फोर टू मोर सॉलिड देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना, ठीक है सर, थोड़ा बहुत डिटेल भेजेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा वो भी कब सर, थोड़ी सी टेंशन चेंज करेगा, टेंशन चेंज करेगा, थोड़ा सा रिवर्स कर लेगा सर, रियल टाइम जो सॉल्यूशन होगा ना वो अब इसका थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सैचुरेटेड में थोड़ा सा सॉल्यूट और मिला दो, सुपर सैचुरेटेड मोर सॉल्यूट देन इट कैन थ्योरेटिकली होल्ड एट द टेंपरेचर। यानी सर बुक के अकॉर्डिंग है तो बुक के अकॉर्डिंग तो और गूगल नहीं कर सकता, पर ये नहीं कर सकता देता है सर, डेफिनेटली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर वन दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द टेंपरेचर। क्या कह रहे हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे वो सॉल्यूशन है जो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ज़्यादा ज़्यादा होता है, मेटा स्टेबल एंड स्टेटेड डिस्टरबेंसेस लाइक स्टेकिंग 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 रेडिंग और कुछ कुछ ग्रुप सर्विस। मेटा स्टेबल का मीनिंग दो सेकंड रुकना जरा, मैं आपको बता देता हूँ रिवर्स मीनिंग देखते हैं। अब डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं, हाँ मीनिंग नहीं है, मतलब मीनिंग है तो वो डेफिनेशन लॉन्ग मीनिंग है ना, इसका एक वर्ड में बता दूँ, आपको एक वर्ड में बता दूँ क्या मीनिंग होता है। पहले ये मेटा स्टेबल मतलब क्या, देखिए क्या है मेटा स्टेबल, पोजीशन की बात कर रहा है, पहले बात कर रहा है पोजीशन का परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, एक ऐसी फॉर्म की डिफरेंट इक्विलिब्रियम और जो आप एक ऐसी स्टेट में जब ऐसी एक ऐसी एपरेंटली मतलब ऊपर मतलब जितनी चीज हो सकती थी ठीक है।
दैट हैज अ लॉन्गर लाइफ लाइन, जिसकी लाइफ लाइफ लाइन जो लॉन्ग होती है एंड दैट जनरली हैज अ शॉर्टर लाइफ लाइन. यहां पे मीनिंग करनी है उसका म्यूचुअल मीनिंग इंपॉर्टेंट है. तो कह रहा है कि किसी स्टेटमेंट में होती है एंड अ स्लाइट डिस्टरबेंस, थोड़ी सी डिस्टरबेंस थोड़ी चेक करती है ये, क्योंकि अभी थोड़ा वैसा हो गया ना, ये सॉलिड टाइप का बन गया है, इस पर करने में प्रॉब्लम देती है, इसके हो जाते हैं वॉल पे स्केच पड़ जाते हैं, किसी भी कंटे है ना वॉल ऑफ कंटेनर सॉलिड क्रिस्टल टू द सॉल्यूशन प्रॉब्लम. आप सॉलिड में अगर आप सर सॉल्यूशन में सॉलिड डालना चाहोगे तो दिक्कत देखिए बाथरूम को खाली क्यों करते हैं, तो खाली करते हैं खाली करते हैं निकाली गई है, ऐसी गंदगी जो निकाली नहीं गई है, अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तभी तभी अफेक्ट करता है. दूसरा और सॉल्यूशन ना हो तो डिस्टर्ब फिजिकली, आपने सॉल्यूशन को फिजिकली डिस्टर्ब नहीं किया, फिजिकली नहीं करते आपने उसको, कोई आपने सामने वगैरह बॉटल वगैरह ऑर्डर नहीं किया, जैसे सिर्फ तो वैसे सिर्फ अगर आप उसको नहीं कर सकते आप थोड़ा सा पॉसिबल है कि आपको आपके कंप्यूटर से डाउन करते हैं. ये लंच हो गए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो मैं बात है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या था, गाढ़ा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, उसके बारे में बता रहे हैं. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अमाउंट, कंसंट्रेशन कैसे मिलेगा, मतलब कंसंट्रेशन कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अमाउंट, तो वो कंसंट्रेशन का उसका मतलब अमाउंट से है, अमाउंट से मतलब क्वान्टिटी से, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व है इन गिवन क्वान्टिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो जो गिवन क्वान्टिटी में डिजॉल्व है, इट कैन बी एक्सप्रेस इन मेनी वेज. सॉल्यूट को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक मास परसेंटेज करेंगे क्या होता मास परसेंटेज, और एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज. मास परसेंटेज सर क्या बताएगा, मास परसेंटेज बताएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट्स ऑफ नंबर बताएगा, वॉल्यूम पर एरिया बता देगा, वो बेसिकली वॉल्यूम पर कर देगा, एरिया वाइज आपको बता देगा कि पर एरिया पर इतने इतना मास है, पर एरिया पर मास मतलब सिंपल नंबर मास बताएगा, परसेंटेज वगैरह में बता देगा उसका कितना मास है, उसके तो पहले ग्राम्स में लिखो, उसको पहले क्या लिखो ग्राम्स में लिखो, और उसको पेरेंट करो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, उसको पेरेंट करो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन. इट इज मोस्टली यूज व्हेन द सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्यूट इज लिक्विड. तो कह रहा है ये लाइन को ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, नीचे क्या है
इट इज मोस्टली यूज व्हेन सॉलिड इज सॉलिड एंड सॉलिड इज लिक्विड। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब कब आपसे कैसे पूछी जाती है, कब मास परसेंटेज मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा, कब वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज कब ज़्यादा अच्छा यूज किया है, सॉलिड सॉलिड ज़्यादा मतलब सॉलिड ज़्यादा सॉलिड 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 तो यूज नहीं है और सॉलिड से लिक्विड से लिक्विड है, लिक्विड से नहीं है और ऐसा है तभी ऐसा होगा। तो कैसे निकालोगे सर मास परसेंटेज, सॉलिड का भी मास है सॉलिड और सॉल्वेंट का भी मास है, डोनेट कर वाटर। सर अगर 10 ग्राम हमने सोडियम क्लोराइड मिलाया 90 ग्राम वाटर में तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या निकलेगा, सर हमारा कॉन्सेंट्रेशन सर ऊपर 10 आ जाएगा मास सॉलिड का, नीचे आएगा सॉलिड का सॉल्वेंट दोनों का मास, 10% 100 यानी 10/100 10/100 × 200 10% आपका आंसर आ गया। यानी इसका मतलब ये इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हम इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि जो टोटल जो सॉल्वेंट है, जो टोटल सॉल्वेंट है ना, इस सॉल्वेंट में 10% जो मास है सॉल्वेंट का, 10% जो मास है वो किसका है, सॉलिड का है, या फिर इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है 10% तो कंसेंट्रेशन इसमें सॉलिड का है, 10% तो ध्यान इसमें किसका है, किसका है, सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का है। वॉल्यूम इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे डिफाइन किया, इसको वॉल्यूम में डिसाइड किया गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज मिलीलीटर्स में बताओ, मिलीलीटर्स में रेंज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इट इज मोस्टली यूज्ड व्हेन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, लिक्विड में हो, उसके फॉर्मूले से जैसा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इन 200 सॉल्ट फॉर एग्जांपल आप 50 अल्कोहल में, आप अल्कोहल में आ गए वाटर में, आ गए वाटर तो अल्कोहल यहां पे आपका क्या होगा सॉल्यूट और वॉल्यूम वाटर के रसायन में सब क्यों दोनों लिक्विड है ना, अल्कोहल को सॉल्यूट क्यों नहीं बोल सकते, तो मैंने आपको आइडेंटिफाई सॉल्यूट पढ़ा कर डिवाइस क्या करोगे आप भूल गए, तो हम अगर दोनों चीज़ें लिक्विड हैं, दोनों मटेरियल क्या हैं, लिक्विड दोनों सब हैं, तो वैसे केस में हम किसको सॉलिड आइडेंटिफाई करेंगे, तो सॉलिड वो होता है जिसका मास का वेट ज़्यादा होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है वाटर ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो वाटर 70 ये ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, इसको हमने क्या बोला सॉल्वेंट बोला और उसको सॉल्यूट बोला, तो 30 divided by 30 = 70 सॉल्व द एग्जांपल के साथ सॉल्व द एग्जांपल के साथ प्लान जैसा रहेगा कि बच्चे पीछे क्वेश्चन देने के लिए सॉल्यूशन बाय ये वाला वो करें एग्जांपल बन 2.5 लीटर ऑफ अल्कोहल इज 10 लीटर ऑफ एक्टिव अल्कोहल, वो करें सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल है तो टिंचर्स कुछ बोलते थे टिंचर वगैरह, ठीक है लेकिन यहाँ पर टिंचर लिखा नहीं, यहाँ पर अगर इसमें लिखा था तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर सॉल्यूट होता ना वो अल्कोहल होता था, पर यहाँ पर यहाँ पर टेम्पर वो ये क्या कहते हैं आपका एल्कोहल नहीं है, यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है सॉल्वेंट वो आपको वाटर सर वाटर वाटर के हिसाब से चले, क्योंकि जो एल्कोहल का जो वॉल्यूम है ना वो एल्कोहल की जो क्वान्टिटी वो 2.5 लीटर ही है केवल, और जो वाटर की है वो 10 लीटर है, उससे ज़्यादा है, ठीक है कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे 2.5 divided by 12.25 तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। वाटर का नहीं है ये 10 टोटल है, 10 सॉल्यूशन का है, वाटर का नहीं है वो, टोटली लिखना ऊपर तो टोटल लिख लिया 10.5 + 2.5 कर दो 10 ही रहने दो।
एग्जांपल टू पढ़ो, एग्जांपल टू पढ़ो, 50 ग्राम ऑफ शुगर इन डिजॉल्व्ड। सर ये जो 50 ग्राम क्या है, तो डिजॉल्व्ड इन 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी सर ये वाटर का लक्ष्य है। यहां पर प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस कर दो, क्या आंसर आएगा आपका? मैंने प्लस कर दिया, प्लस किया यहाँ पे, इसको पहले किलोग्राम में, पहले ग्राफ में किया, ग्राफ में लोगे इसमें से 50 ऐड किया, 2500 आ गया, तो टोटल तो आपके पास 2500 आ गया। ऊपर मास क्या है इसका, तो 50 200 किया, तो 80% क्वेश्चन आ गया। तो सर ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इसके ऊपर पहले मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आगे पढ़ाने के पहले। आपको यहाँ पर तो नहीं दिया होगा, साइन क्वेश्चन में दिया होगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देख सकते हो ठीक तक है, इसका कुछ नहीं है, देख लेने पर अगर क्या कुछ नहीं तो मुझे बता देना, अगर कुछ है तो सेंड कर देना, और ध्यान रखना अगर कहीं है तो अभी कहना कंप्लीट चैप्टर सेंड किया करो, आधे तो टुकड़ों में से रह जाता थोड़ा सा, ठीक है, इतना ही है तो कोई बात नहीं, अगर इससे ज़्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान हासिल करें, कंप्लीट चैप्टर भेजा करो, चाहे टीचर ने कराया चाहे नहीं कराया, टीचर ने नहीं कराया तो कटवा दिया करो, यहाँ पर मैं अपने पास से कट कर लूँगा, थोड़ा पूरा पूरा भेजा करो, ठीक है। आपके पास तो बुक्स हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास बुक्स नहीं है तो आप पिक्चर्स क्लिक ना कर पाओ, आपके लिए करके पी डी एफ बना के पूरी सेंड किया करो, ठीक है। अगर कटवा दिए तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक का रिवाइज करना, मैं आपको कहीं भी करा रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।